24 में आपका स्वागत करती हूँ। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइए। गला घोटकर महिला की हत्या मामले में हुआ बड़ा खुलासा, पति ही निकला पत्नी का हत्यारा। पुलिस ने 302, 304 बी अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में किया पेश। बीते दो दिन पहले हुए हत्याकांड ने दिलचस्प मोड़ लिया है, जिसमें पति ने ही अपनी पत्नी की गला घोटकर रेतकर हत्या कर दी। मामला रामपुर के गंज थाना क्षेत्र के गुर्जर रहमत टोला का है, जहां देर रात पति ने पत्नी की हत्या का प्रपंच रच डाला और हत्या को एक नाटकीय ढंग से पुलिस और समाज के सामने रचा था, जिसमें उसने बताया था कि कुछ लोग देर रात उसके घर में घुस गए, उसके साथ मारपीट कर उसे बेहोश कर दिया था। वहीं पत्नी की हालत गंभीर बताते हुए उसको आईसीयू में होने की बात कही थी। हत्या को सरासर नकारते हुए उसने ऐसी कोई भी बात पुलिस के सामने नहीं रखी जिसमें कि उसे पत्नी की स्थिति का पता हो। वहीं दूसरी तरफ पत्नी नूर सभा के परिजनों ने शुरू से ही पति नूर हसन पर अपनी गर्भवती बेटी नूर सभा की हत्या का आरोप लगाया था और दामाद नूर हसन को आरोपी बताते हुए उसको सरेआम फांसी की सजा देने की बात कही थी। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक शिव हरि मीणा ने बताया था कि पुलिस द्वारा मौके का मुआयना किया गया है। जिस तरह महिला की गला घोटकर रेतकर हत्या की गई है, जबकि उसके पति को मामूली चोटें हैं, जो बात संदिग्ध प्रकट करती है। पुलिस मामले में गहनता से तथ्यों को खंगाल रही है, जिसके बाद जो उचित कार्रवाई होगी की जाएगी। घटना का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक शिव हरि मीणा ने बताया, दो दिन पूर्व थानागंज में एक युवती की हत्या हुई थी। युवती के पति द्वारा बताया गया था कि कुछ बदमाश आए जिनके द्वारा उसकी हत्या की गई। जब पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसमें बहुत सारे तथ्य सामने आए जो कहीं न कहीं किसी साजिश की ओर इशारा कर रहे थे, जैसे युवती की गला दबाकर हत्या की गई थी। कोई चोट उसके शरीर पर नहीं थी, जबकि उसने बताया था कि बदमाश मारपीट रहे थे। साथ ही साथ आरोपी पति के हाथ में नाखूनों के निशान थे, दांत से काटने के निशान थे। इन सब के आधार पर पुलिस ने पति को दोषी माना है और वो आज जेल चला गया और शेष विधिक प्रक्रिया चल रही है। धन्यवाद। दोपुर थाना गंज में एक युवती की हत्या हुई थी। युवती के पति के द्वारा बताया गया कि कुछ बदमाश आए थे, उन्होंने उसकी हत्या कर दी। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन आरंभ करी गई पुलिस के द्वारा, तो उसमें बहुत सारे तथ्य थे जो कहीं ना कहीं किसी साजिश की ओर इंगित कर रहे थे, जैसे युवती की गला दबा के हत्या करी गई थी, कोई चोट उसके शरीर पर नहीं थी, जबकि उसने बताया था कि बदमाश मारपीट रहे थे। साथ ही साथ जो आरोपी है पति, उसके हाथ में नाखूनों के निशान थे, दांत से काटने के निशान थे। तो इन सब इन्वेस्टिगेशन के आधार पर पुलिस ने पति को दोषी माना है और वो आज जेल चला गया। शेष विधिक प्रक्रिया अभी पूरी की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन जारी है।